हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। EKI एनर्जी सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, तो 2021 में ही ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था, लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था एज अ SME। SME होता क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हम मैं यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज बनाता हूँ ना कि अमीरों का IPO। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमीरों का आईपीओ, ये आईपीओ से रिलेटेड। तो ये जो आईपीओ आते हुए दिखाई देते हैं, ये कौन से आईपीओ? ये SME आईपीओ है। तो ऐसे ही ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था SME आईपीओ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इस शेयर ने जो जंप लगाई है कि 40 रुपए वाला शेयर ये क्या हो गया, 3114 रुपए के आसपास का हो गया। मतलब मल्टी बैगर यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आया, बल्कि ये शेयर एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 15,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था। आप कहेंगे 15,000 कैसे? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 3:1 का इसने क्या दिया था, इसने 3:1 का ये बोनस देता हुआ नजर आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला बोनस भी दे दिया SME से, यहाँ पर ब्रॉड उसमें आ भी गया ये, एज वेल एज देखे तो डिविडेंड भी कंपनी ने 2021 में 1 रुपए का, अप्रैल 2022 में 20 रुपए का डिविडेंड। तो ये कंपनी की वो है, परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से शेयर इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या अभी ये शेयर लेना चाहिए? तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, ओके, इस शेयर में कुछ नजर आता है जो हम यहाँ पर लास्ट में देखेंगे, बट कंपनी करती क्या है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये शेयर आगे चल के भी इसी तरीके के मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? 1600-1700 रुपए पे शेयर चल रहा है, क्या ये शेयर दोबारा ये शेयर 16,000 रुपए पहुंच सकता है? तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर डेली बेसिस पे चार्ट डाले जाते हैं, एज वेल एज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपसे मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोगों नोटिफिकेशन ऑन कर रखा तो नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और आप चाहे तो हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, कॉन्टेक्ट करिए, नीचे नंबर दे रखा है। तो हम बात कर रहे हैं EKI से। तो EKI करती क्या है? तो EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजर एंड द कार्बन ऑफसेट अलोंग विद द बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। तो कंपनी ये जो क्लाइमेट को एक तरीके से कार्बन रहित बनाने में, ये कार्बन बिल्कुल ना के बराबर हो जाए इस तरीके से उस चीज में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। ग्रीन एनर्जी की तरह, मतलब ग्रीनरी रहती हुई दिखाई दे हमारी पूरा वर्ल्ड, उसमें ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज अगर हम इस कंपनी की बात करूं तो देखिये, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, फ्रांस के थ्रू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, उसमें यहाँ पर कुछ एक फ्रांस से रिलेटेड कोई ट्रीटरी है, ओके, जहां पर जाके सबने कहा था, आपने सुना भी होगा, मोदी सर ने जाके कहा था कि 2050 तक हम नेट कार्बन फ्री हो जाएंगे, एज वेल एज चाइना ने 2060 का नाम लिया था, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने कहा था कि हम यहाँ पर कार्बन को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो बहुत सारे सोलर के स्टॉक, बहुत सारे एनर्जी के स्टॉक्स और बहुत सारी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनमें से एक कंपनी ये भी है, ओके, जो ये काम करती हुई नजर आती है। तो क्या काम करती हुई नजर आती है? कार्बन क्रेडिट के रूप में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी फॉर द वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ एलिजिबल कार्बन क्रेडिट्स। तो यहाँ पर हम बात करें, कंपनी यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब कार्बन क्रेडिट होता क्या है? तो कार्बन क्रेडिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन ऑफसेट परमिट अलाउज द ओनर्स ऑफ एमिट अ सर्टेन, एक कंपनी है, ओके, और वो कंपनी क्या करती है, ऑब्वियस सी बात है, एक इंडस्ट्री है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता हुआ नजर आता है, निकलता हुआ नजर आता है, और अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ओके, और उधर से भी यहाँ पर से गैसेस निकलते हुए नजर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है कि ये उन जो कार्बन से जो कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे यहाँ पर दूसरी ऐसी कंपनी से मिला देते हैं जहां पर ये कार्बन का आदान प्रदान होता हुआ दिखाई देता है और क्रेडिट होता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि द कंपनी में सेल्स एनी
अननीडेड अगर उसे उस जो अननीडेड क्रेडिट्स है ओके कार्बन का, उसे यहाँ पर टू अनदर कंपनी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसी तरीके की कंपनी ये एडवाइस करती हुई दिखाई देती है, और जब एडवाइस करती हुई दिखाई देती है तो इसका एक बिजनेस है। पहली बात तो लिस्टेड ऐसी वर्ल्ड में केवल यही कंपनी है, और बहुत कम कंपनी, और इससे बेहतरीन काम अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। इस वजह से ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है। स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंसी, मतलब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, बातचीत करना, ये सब चीज में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और बताती है कि किस तरीके से आप यहाँ पर कार्बन को कम रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई पैरामीटर्स होते हैं वो सब चीज में ये कंपनी काम करती है। इंडिया से केवल 2%, यूएसए से 7%, ओके, और बात करें यहाँ पर यूरोप से 52%, ऑस्ट्रेलिया से 27%, अदर कंट्री से 12%, तो पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। रेवेन्यू मिसमैच है, 90% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा, किस तरीके का बिजनेस है, क्या ये आगे चलेगा? ऑब्वियसली बात है, जब 2050 तक भारत कह रहा है, 2060 तक चाइना कह रहा है, तो सबको यहाँ पर कम करना है, सबने उस ट्रीटी पे साइन किया हुआ है, और ऑब्वियसली बात है अगर इस वर्ल्ड को ओके यहाँ पर रहने लायक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली बात है कार्बन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर होनी चाहिए, तभी तो जाके यहाँ पर भारत और पूरा वर्ल्ड यहाँ पर क्या हो सकेगा, एक अच्छी लाइफ यहाँ पर जी सकेगा, अदरवाइज बीमारियां पैदा होगी, ओके, एज वेल एज यूवी रेजेस आते हुए दिखाई देंगे, जो ओजोन परत होती है उसमें अलग अलग तरीके के आप देखते ही होल्स होते हुए नजर आते हैं, तो वहां से डायरेक्ट ओजोन यूवी रेजेस होती है, कैंसर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बीमारियां होती हुई नजर आती है, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी। क्लाइंट की बात करें अगर यहाँ पर, तो देखिए क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी आर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, एज वेल एज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके, वर्ल्ड बैंक भी, एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इंडियन रेलवे, एसबी एनर्जी, मतलब बहुत सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे कौन है इसके क्लाइंट है, और इससे भी ज्यादा ही है, एटसेट्रा, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था 18 करोड़ रुपए का, ओके, 18 लाख इक्विटी शेयर थे, और अभी कंपनी की कीमत क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कंपनी लगभग 4,664 करोड़ की हो गई है। तो ये होता है कि किस्मत जब चेंज करने वाली होती है ना, तो कोई नहीं रोक सकता, फिर किस्मत चेंज होती हुई नजर आती है। बोनस की बात कर रहे थे, कंपनी हैज इशू बोनस, तो बोनस यहाँ पर इशू होता हुआ दिखाई दिया था। एक्सपेंशन 3 न्यू इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट, नेमली थाईलैंड, जॉर्डन एंड इंडोनेशिया में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द सर्विस रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट, तो यहाँ इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केएमपी रसोनाली शेख डिजाइन द एज होल टाइम डायरेक्टर एंड द चीफ सीएफओ रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन, यहाँ पर रिजाइन दिया है। मोहित अग्रवाल इसके यहाँ पर ओनर है, इन्होंने शुरू करे, यंग बंदा है, एज वेल एज बात करें जॉइंट वेंचर यहाँ पर करते हुए नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पर आप देख सकते हैं एक गिरावट, और केवल यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी से रिलेटेड और भी पढ़ना है तो यहाँ पर नीचे आप जाएंगे स्क्रीनर पे, तो देखिए यहाँ पर इनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, एज वेल एज पीपीटी पढ़ सकते हैं, तो पीपीटी यहाँ पर आपके सामने है किस तरीके से इनके 3,000+ क्लाइंट है 40+ कंट्रीज में, 1,000+ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑन गोइंग है, 200+ यहाँ पर एम्प्लॉइज विद 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 180+ मिलियन क्रेडिट सप्लाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, 2.x ग्रोथ इन द रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पे है, एबिटा पे 3x है, पैट पे 3x है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्टेड, वो सब चीज यहाँ पर दे रखा है किस तरीके से ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 में कंपनी फाउंड हुई थी, 2022 में कहाँ तक पहुंच गई है, ओके, कार्बन क्रेडिट किस तरीके से हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी ए है जो अच्छी खासी है, ग्रीनरी में काम करती है, एक कंपनी है जो ज्यादा प्रदूषण निकालती है, ये यहाँ से इसे ये कार्बन क्रेडिट दे देती है, ये यहाँ से इन्हें उस तरीके कंसल्टिंग दवाई बायर के रूप में, सेलर और बायर के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी कहाँ कहाँ पर काम कर चुकी है वर्ल्ड वाइड, एज वेल एज इसके यहाँ पर जो क्लाइंट है इंटरनेशनल वो भी देख सकते हैं, सारे इंटरनेशनल, सीमेंस, द वर्ल्ड बैंक, ओके, हेलकॉम, ये सारे इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। इंडियन क्लाइंट्स की बात करें तो अडानी, अंबानी, ये सारे के सारे जितने भी है, ये सारे के सारे इनके इसके क्लाइंट दिखाई देते हैं। PSUs की बात करें, ओके, गवर्नमेंट के थ्रू टाइप है, ये सारे के सारे गिल, बेल, NTPC, ये दिखाई देते हैं। आर एसोसिएट विद एसोसिएशन एंड
एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, एसोसिएट एम्प्लॉयमेंट ये देख सकते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सोलर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, सोलर विंड एनर्जी, हाइड्रो ओके एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी की सारी कंपनी अच्छे तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है। और इस तरीके से कंपनी यहाँ पर अपना एक वर्चस्व जिसे कहते हैं ना पूरे मार्केट में बनाए हुए है। इस वजह से शेयर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है ओके, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। बट जिस तरीके का बिजनेस और ये जो बिलियन डॉलर की मार्केट है उसे अच्छी तरीके से धीरे धीरे कैप्चर करती हुई नजर आ रही है, तो आगे के बहुत ज्यादा स्कोप नजर आते हैं। पी रेशो 10 का, इंडस्ट्री का भी 25 का, स्टील अभी भी सस्ता है। 236% का आरओसी, आरओई 176% का, डेट फ्री शेयर है, किसी तरीके का डेट नहीं है। 358% का प्रॉफिट पिछले 5 साल में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी देख सकते हैं 229%, एज वेल एज कंपनी के सीएजीआर की बात करें 358% का सीएजीआर पिछले 5 साल में। कंपनी की ग्रोथ की बात करें, लगातार अच्छे रिजल्ट, अच्छी सेल्स ओके, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार अच्छा, कंपनी का नेट मार्जिन की बात करें ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है 28% का ओके। एज वेल एज यहाँ पर कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पर हम आ सकते हैं नीचे, ईयरली बेसिस पे 2012 में 1 करोड़ की सेल्स थी, अभी 2100 करोड़ रुपए की सेल्स पिछले 12 महीने में हो गई है, तो ये ग्रोथ है। जो प्रॉफिट 0 था ओके 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 383 और 455 करोड़ का प्रॉफिट, तो इसी वजह से शेयर भी जंप में था। रिजर्व्स 403 करोड़ के रिजर्व्स, बोरिंग 1 करोड़ की, वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़, इन्वेस्टमेंट 26 करोड़, कैश की बात करें कंपनी का 9 करोड़ का कैश भी है। एज वेल एज इसमें एक बड़े नाम मुकुल महावीर अग्रवाल सर लगभग 1.89 की हिस्सेदारी इनके पास है, एज इट इज बने हुए अभी भी। क्यों? क्योंकि उन्हें और भी ज्यादा दिखाई देता है ये शेयर। डीआईस की बात करें 5.73, FIs की बात करें 5.29, थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर 1 साल में कम करी है। और प्रमोटर्स की बात करें एज इट इज 73.47% के यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, चार्ट पे आप आएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी लगातार यहाँ पर से ओके गिरने के बाद 9 मार्च से अभी तक 3-4-5 महीने 6 महीने हो चुके हैं, एक कंसोलिडेशन फेज में है ओके। बार बार गिरती है, एक सपोर्ट लेती है, एक बार सपोर्ट यहाँ लिया, फिर सपोर्ट यहाँ लिया और फिर सपोर्ट इन्होंने यहाँ पर लेते हुए नजर आया है, तो बार बार यहाँ पर ही आके एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर, तो एक बेहतरीन सपोर्ट बना हुआ है। और रेजिस्टेंस की बात करें, जो ये लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ही ये शेयर आगे बढ़ा था ओके। एक बार कोशिश इसने यहाँ पर भी करी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, एक दो बार कोशिश करी और चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। अभी न्यूज आई थी, न्यूज आने के बाद फिर दोबारा ऊपर भागा था ओके। इसके इनके जो ओनर है उनका यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, शेयर भागा था, बट भागते हुए तलवार को नहीं पकड़ना चाहिए, किसी भी बेसिस पर पहले चीजों को समझना चाहिए, वही मैं हमेशा आपको बताता हूँ। बात करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन जो ये ट्रेंड लाइन जारी है, ये सपोर्ट नजर आता है मुझे, चीजें यहाँ पर आके थोड़े बहुत दिनों बाद शायद यहाँ से जा सकती है। एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा है ओके, इसके टारगेट शायद 1978 तक आएंगे, बट यहाँ पर हमें छोटे बैट नहीं खेलनी, हमें बड़ी बैट खेलनी है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर इंडस्ट्री ग्रो करती हुई नजर आ रही है, वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से काम है और जिस तरीके से कार्बन का क्रेडिट का काम होता हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है, बिलियन डॉलर की कंपनी बन सकती है। जब ये बिलियन डॉलर की कंपनी बनेगी, शेयर भी उसी तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये शेयर यहाँ पर से ओके अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो यहाँ पर लगभग आपको 85% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं ओके। और मुझे यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जितनी गिरावट होनी थी लगभग 51% की वो हो गई है अभी। और बात करें अगर तो यहाँ पर लगभग 50% के आसपास की गिरावट है, तो ये गिरावट एक इनफ गिरावट होती है, केवल कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं। सबसे पहला यहाँ से निकला तो शेयर सबसे पहले टारगेट ये है 2200 के आसपास के, यहाँ से निकला तो सीधे इसके टारगेट 2900 और 3000 के बीच में जाएगा और फिर शेयर 3100 और 3200 की रेंज में जाएगा। और बात चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, याद रखिएगा ये शेयर एक बेहतरीन शेयर नजर आता है, रिटर्न दिए नो डाउट बेहतरीन रिटर्न दिया, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन है, पर जिस दिन ये कंसोलिडेशन पीरियड से यहाँ से बाहर निकला तो मौका नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर का काम है, ऑपरेटर किस तरीके से शेयर को भगा के लेके आए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर शेयर दोबारा भागेगा, ध्यान रखना, नजर रखना, चार्ट की तरफ ध्यान देते रहना और चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। और जब ये भागेगा यहाँ से टूटेगा ओके, जो हमारे टारगेट अचीव होंगे दोबारा वीडियोस बनाई जाएगी, मेरे पास है बिल्कुल नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सोच रहा हूँ ओके, कभी भी मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ।
मेरे खुद के पैरामीटर है, जब मुझे लगेगा यहाँ से निकल जाए अब निकलेगा मैं यहाँ पर एंट्री कर लूंगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फ्रेंड शेयर में से खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, दो शेयर जहाँ पर TN पेट्रो चेन्नई पेट्रो से रिलेटेड बातें करिए, जाके देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।